करा, और इसकी माँ जो थी वो तो बहुत अलग घोड़ी थी ना जी। मियाँ साहब ने पूरी हिस्ट्री इसकी बताई है, इसकी माँ के बारे में, इसकी दादी नानी तीनों विनर है पत्तों के मेले। माशाल्लाह जी, और विनर ब्लड लाइन, क्या बात क्या बात। था मेरा दोस्त है सरदार दादा हुसैन बास और फरजोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मियाँ साहब के डेरे से आपको अपडेट्स देने जा रहे हैं जनाब, और माशाल्लाह मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी शफकत है, इनका प्यार है, तो आपके आपको दिखाते हैं इनके जानवर, और मियाँ साहब से इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, जानवरों का शौक़ भी आप तमाम दोस्तों को चेक करवाते हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देने जा रहे हैं जी। तो दोस्तों माशाल्लाह जानवर आप देखें, और ये है प्यार, ये है जानवर से प्यार, और ये है शौक़ के दाना चारा मियाँ साहब अपने हाथ से जानवरों के आगे कर रहे हैं, इनका प्यार है जानवरों से। तो मियाँ साहब अब इनके बारे में आप ये अब मैं लेके आया हूँ फैसलाबाद से। माशाल्लाह जी, अच्छे ब्लड लाइन की घोड़ी है ये भी मेरे घर की ब्लड लाइन है, शाह परियां क्या बड़ी अच्छी ब्लड लाइन है। ये कोयल घोड़ी है, ये भी अच्छी घोड़ी है, कोयल माशाल्लाह। ये जो है ये पालकी है, कबूतरी पालकी ये भी अच्छी घोड़ी है, रेडिंग वाली, टोरे वाली, माशाल्लाह। रेडिंग मतलब मेरी है, टोरा भी होती है ना जी जी, बाद लोग लॉन्ग राइड करते हैं टॉर कंटर में जी जी, मेरी लॉन्ग राइड होती है टोरे में, टोरे से मतलब गांव रला रवाल जिसे कहते हैं, सही सही, सुतरी नहीं, सुतरी का मैं शौकीन नहीं हूँ, सुतरी का गांव रवाल, गांव गांव टोरा कह लें, गांव रा रला कह लें, गांव रवाल कह लें, सुतरी का मैं शौकीन नहीं हूँ। माशाल्लाह, ये जीनत घोड़ी है मेरी, जीनत घोड़ी है माशाल्लाह, अच्छी घोड़ी है मेरी, सवारी अब मैं सिर्फ चाट रहा हूँ, सवारी काट रहा हूँ इसकी, अब मैंने सवारी करनी है, अब मेरा टाइम हो गया, सुबह कर दिया है, जीनत घोड़ी, जीनत माशाल्लाह, जीनत हाँ, अब इसकी मेरी सवारी अब तैयारी होगी है, सवारी मैंने करनी है दोस्तों, माशाल्लाह राइडिंग के लिए तैयार है घोड़ी, अब तैयार होगी घोड़ी, अब मैं राइडिंग करनी है, और आपको मियाँ साहब की राइडिंग भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये राइडिंग के लिए है, और राइडिंग का टाइम भी माशाल्लाह हुआ चाहता है मियाँ साहब का। हाँ, ये दरबारी घोड़ी है, अच्छी मेरे घर की घोड़ी है, दरबारी, दरबारी, हाँ दरबारी, अच्छे घोड़े की है माशाल्लाह। हाँ, ये भैंसों को भी ये शौक है माशाल्लाह, घोड़ी का शौक है, दो ही मेरे शौक है, भैंसे और घोड़े, भैंसे घोड़े, ये जी मियाँ साहब की माशाल्लाह भैंसे मौजूद है, कमजोर है थोड़ा सा सर्दी की वजह से जी जी, सबसे चारा थोड़ा सा नुकसान डैमेज हो गया जी, तो थोड़े से कमजोर हैं, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह ठीक। ये है जी मियाँ साहब का भैंसों का शौक, ये जी भैंसों का शौक है मियाँ साहब का माशाल्लाह। ये आपको मैं दिखाता हूँ बुल जो है, बफलो बुल जो है ना मेरा, ये इसका देखें हमारे साथ साथ जा रहा है। हाँ ये है बिच है, अमेरिकन स्टेफर्ड टेरियर, अमेरिकन स्टेफर्ड टेरियर बिच है माशाल्लाह। मोहम्मद जवेद साहब जी जी, फैसलाबाद, उन्होंने मुझे दिया था माशाल्लाह। इसकी माँ जो है हरनी भैंस, वो सन 15 की विनर है पत्थों की में, हरनी, हाँ। इसकी दादी जो है वो भाग में, वो सन 13 की विनर है पत्थों की में, वाह। हाँ, इसकी नानी उससे पहले की विनर है दोस्तों, इसे कहते हैं शौक। राणा जवेद साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दिया था, इसका नाम है जोटे का सांदल, इन्होंने राणा साहब का नाम रखा है सांदल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जी इनका पूरा बड़ा और ओपन सिस्टम, वो दूध वाली बाहर है ना जी जी, वो दूध वाली बाहर होगी तो थोड़ा सा कमज़ोर हो गई, थोड़ा सा ना इनका सबज चारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक। ये देखें जानवरों का प्यार माशाल्लाह, शौक माशाल्लाह जी। ये घोड़ों का असबल है, ये घोड़ा है मेरा जी, इसकी उम्र 4 साल है, तो इसका नाम है मेघ मलार माशाल्लाह। इसका बाप जो था वो घोड़ा था हिटलर, क्या बात, हिटलर घोड़ा बड़ा मशहूर था, नुकरा सैयद अली रजा शाह साहब का घोड़ा था, सैयद अली रजा शाह साहब लाहौर वाले फुलरवान से माशाल्लाह जी। ये जनाब नुकरे कलर का घोड़ा, वो तो बहुत अलग घोड़ी थी, मर गई, इसका बड़ा भाई मियां सईद बोझले के पास है, अच्छा, वो जो नाच रहा है
और ये छोटा मेरे पास है। ये दोस्तों थान की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, मियाँ साहब जानवरों के साथ मौजूद हैं और इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इसकी माँ बहुत अच्छी घोड़ी थी, बहुत अच्छी घोड़ी थी। बस यो ये है मेरे पास, चार है, इसको अब मैं तैयार कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए नेजाबाजी की। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। एक क्या है ये मैंने निकाला तांगे पे, तांगे का मुझे शौक है। अच्छा अच्छा, तांगा रेडी उनकी भी करता हूँ मैं। माशाल्लाह घोड़ा जी जी, सरदारू फुट वाला शहजादा, उस घोड़े का फोटो है ये। माशाल्लाह दिलबर है मेरा ये जी, दिलबर नाम का घोड़ा। हाँ मेरा टोले वाला घोड़ा है दिलबर। माशाल्लाह हाँ, ये मेरा टोले वाला घोड़ा बस है। नाम है जी इसका दिलबर। इसका नाम चकोर है। और वो जो सामने आप देख सकते हैं उसका नाम है चकोर। माशाल्लाह ये जी माशाल्लाह से। ये भी चेरी है, ये है अच्छी घोड़े की है। ये मेरा दोस्त था नवाब फरीद खान लखवेरा साहब जी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। माशाल्लाह जन्नत दे, उनकी निशानी मेरे दोस्त की निशानी मियाँ साहब ने रखी है। और माशाल्लाह बछेरी, हाँ क्या बात है, ये मोरनी घोड़ी है, बछेरी है मोरनी। माशाल्लाह जी ये वो नुकरी है इस घोड़ी की, इसकी इसकी बच्ची इस साल तक की मोरनी की। माशाल्लाह ये जहाँ पे दोस्तों खुले फिर रहे हैं घोड़े, हाँ, और इनके भागने दौड़ने के लिए माशाल्लाह जगह बनाई हुई है। ये कोयल है लाल, ये बछेरा है इसका। माशाल्लाह हाँ। ये देखिए दोस्तों बछेरा साथ है माँ के और कोयल। क्या बात है माशाल्लाह खूबसूरत। ये जी एक और अस्तबल है और यहाँ पे इन्होंने वन बाय वन माशाल्लाह रखे हुए हैं। पालकी हाँ, सावी हाँ, उसकी बछेरी है ये। उसकी ये बछेरी है दोस्तों। माशाल्लाह सरदार साहब ने मुझे घोड़ा दिया था जी जी, गुलाम जॉन। ये गुलाम जॉन की, ये गुलाम जॉन की बछेरी हाँ। है दोस्तों माशाल्लाह। गुलाम बाद साहब हैं, सरदार हुसैन बाद साहब और रजवा सदात। रजवा सदात अब्बास स्टड फार्म जी 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 जी, मशहूर अब्बास स्टड फार्म। उसका घोड़ा था गुलाम जॉन, उन्होंने मेहरबानी की तो उसके उसकी भी। माशाल्लाह वो एक घोड़ा और घोड़ा था, अच्छा घोड़ा था। उसका बाप अभी बिका है 20 लाख का, वो ले गए हैं जी जी चिश्ती साहबान बोधरे से नुकरा जी जी। उसकी है ये माशाल्लाह, वो काली कोयल की बच्ची है। माशाल्लाह लुंगी घोड़ी इसका हाँ। नाम है जी लुंगी घोड़ी, इसका नाम लुंगी है, नाम है जी लुंगी घोड़ी। लुंगी ये अच्छी घोड़ी है, अच्छी बना लड़ाई की घोड़ी है। माशाल्लाह दोस्तों एक और खूबसूरत घोड़ी और लुंगी नाम लुंगी। सावी पाल की दोस्तों आपने पहले देखी थी मियां साहब के बैक साइड पे खड़ी हुई थी जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये फेवरेट दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मियाँ साहब के साथ मौजूद हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाकी की चीज़ें हम विज़िट करवा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं।